दोस्तों, विटामिन विभिन्न शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम सपोर्ट और स्वस्थ त्वचा, दृष्टि और हड्डियों को बनाए रखना आदि। वे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। विभिन्न विटामिनों के विशिष्ट कार्य होते हैं, उनमें से एक है विटामिन ई। यह एक मुख्य पोषक तत्व है। आज के इस वीडियो में विटामिन ई के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फी फैमिली केयर में। दोस्तों, हमारे चैनल से हेल्थ रिलेटेड नॉलेज लेकर आप अच्छी सेहत प्राप्त कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ प्राप्त कर सके, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह सेल्स को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। इसमें कंपाउंड्स का एक समूह होता है जिसमें सबसे जैविक रूप से सक्रिय रूप टोकोफेरॉल एंड टोकोट्रिनोल्स होते हैं। इन कंपाउंड्स को अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखेंगे विटामिन ई के स्वास्थ्य लाभों पर रिसर्च के बारे में। रिसर्च के अनुसार विटामिन ई एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जिसका सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। रिसर्च बताता है कि विटामिन ई के सेवन से रक्त में शरीर के सेल्स की सुरक्षा बढ़ती है, जिससे कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट गुण एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑक्सीडेटिव तनाव, कैंसर, मोतियाबिंद जैसी विभिन्न बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए पाए गए हैं। विटामिन ई को अस्थमा, अल्जाइमर रोग, प्रतिरक्षा, एलर्जी और मधुमेह सहित अन्य बीमारियों के खिलाफ प्रभावी पाया गया है। अब देखेंगे डोज। विटामिन ई की खुराक का अडल्ट डोज आमतौर पर शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन 15-100 mg तक होता है। अब आइए देखते हैं विटामिन ई आपके त्वचा पर क्या प्रभाव डालता है, जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन, काले धब्बे, छिद्र आदि चेहरे पर परमानेंट काले धब्बे छोड़ जाते हैं। इस स्थिति को मेलानिन कहा जाता है और यह हार्मोनल परिवर्तन और अन्य कारकों के कारण होता है। जब यह विटामिन सी के साथ मिलाया जाता है तो विटामिन ई हाइपर पिगमेंटेशन के लिए एक बेहतरीन उपाय बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बढ़ती उम्र और जुर्रिया। एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा के लिए विटामिन ई की अत्यधिक रिकमेंडेशन की जाती है। यह ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक कर सकता है। विटामिन ई का उपयोग करने के बाद आप अपने चेहरे की त्वचा में अंतर महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चिकने और मुलायम ओठों के लिए, यानी लिप्स के लिए। विटामिन ई कैप्सूल स्किन सेल्स रिजनरेशन के लिए जाना जाता है। इसी तरह विटामिन ई कैप्सूल खुश और स्वस्थ ओठों के लिए, होठों की त्वचा को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर विटामिन ई मास्क बनाने के लिए कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, जिसमें स्टेप वन इज दो विटामिन ई कैप्सूल काटे और उसे कटोरे में ले। उसके बाद स्टेप टू, दो चम्मच दही डाले और उसे कटोरे में विटामिन ई के साथ मिलाए। स्टेप थ्री में मिश्रण में एक चम्मच नींबू का रस मिलाए और गाढ़ा पेस्ट बनाने तक सावधानी से हिलाए। वह पेस्ट ही मास्क है, लेकिन इसे चेहरा साफ करने से पहले न लगाए। उसके बाद स्टेप फोर, अब अपने चेहरे को गुलाब जल और कॉटन से साफ करें और अब आप मास्क लगा सकते हैं और मास्क को सूखने के लिए 15 से 20 मिनट तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। अब स्टेप फाइव, एक बार जब आप 15 से 20 मिनट तक इंतज़ार कर ले तो आप अपने चेहरे को फिर से ठंडे पानी से साफ करें और अपने चेहरे को टॉवेल से थपथपा कर सुखाएं। जवां त्वचा के लिए इस प्रक्रिया को सप्ताह में कम से कम एक बार दोहराएं। अब हम विटामिन ई के तीन महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर वन इज मजबूत बाल। विटामिन ई बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें नंबर वन इज ब्लड सर्कुलेशन में सुधार। पर्याप्त विटामिन ई का सेवन स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बालों के रोम को ऑप्टिमल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सीबम प्रोडक्शन। विटामिन ई सीबम उत्पादन को नियंत्रित करता है, जो स्काल्प द्वारा उत्पादित प्राकृतिक तेल है। संतुलित सीबम का स्तर बालों को नमी युक्त रखता है और अत्यधिक सूखापन या तेलीयपन को रोकता है, जो बालों के विकास में बाधा बन सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज सेल रिजनरेशन। विटामिन ई सेल रिजनरेशन और मरम्मत भी करता है। स्वस्थ स्काल्प को बनाए रखने और नए बालों के विकास को बढ़ावा देने में यह सहायता कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बालों की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी। विटामिन ई बालों की संरचना को बढ़ाकर टूटना और भंगुरता को कम करके बालों की स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी में योगदान देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट गुण रंग पैदा करने वाले सेल्स की रक्षा करके बालों के समय से पहले सफ़ेद होने को रोकने और धीमा करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोलिकल हेल्थ। विटामिन ई बालों के रोम के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। बालों के मजबूत विकास के लिए स्वस्थ फोलिकल आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट इज नमी बनाए रखना। विटामिन ई बालों में नमी बनाए रखने, रूखेपन को रोकने और स्वस्थ चमक को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सूजन रोधी प्रभाव। विटामिन ई के सूजन रोधी गुण खुजली वाली स्काल्प को शांत करने और डैंड्रफ को कम करने और बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली अन्य स्काल्प कंडीशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कोलेजन उत्पादन। विटामिन ई कोलेजन उत्पादन में सहायता करता है। यह एक आवश्यक प्रोटीन है जो बालों की संरचना और समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर ग्रोथ स्टिमुलेशन। एक स्वस्थ स्काल्प एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने और कुप स्वास्थ्य का समर्थन करके विटामिन ई अप्रत्यक्ष रूप से बालों के विकास को उत्तेजित करता है। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट, तेज दिमाग। विटामिन ई अपने संभावित संज्ञात्मक लाभों और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के समर्थन में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसमें नंबर वन इज एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो मस्तिष्क कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और मुक्त कणों से होने वाली क्षति से बचाने में मदद करता है। यह सुरक्षा ब्रेन सेल्स के स्वास्थ्य और उनकी प्रभावी ढंग से संचार करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोप्रोटेक्शन। विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट गुण मस्तिष्क तक विस्तारित होते हैं, जहां यह न्यूरॉन को क्षति से बचाने में मदद करता है। यह सुरक्षा हमारे मस्तिष्क की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है और संज्ञानात्मक गिरावट के जोखिम को कम कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज रक्त प्रवाह में सुधार। विटामिन ई का पर्याप्त सेवन मस्तिष्क सहित स्वस्थ ब्लड सर्कुलेशन का समर्थन करता है। बेहतर रक्त प्रवाह यह सुनिश्चित करता है कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति मिले, जो इष्टतम संज्ञानात्मक कार्य और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव। विटामिन ई में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मस्तिष्क में सूजन को कम कर सकते हैं। पुरानी सूजन संज्ञानात्मक हानि और न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों से जुड़ी हो सकती है, इसलिए सूजन को कम करने से तेज याददाश्त बनाए रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नर्व सेल कम्युनिकेशन। विटामिन ई न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में सहायता करके नर्व सेल्स के उचित कामकाज में मदद करता है। स्मृति निर्माण और पुनर्प्राप्ति के लिए न्यूरॉन्स के बीच इफिशियंट कम्युनिकेशन काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन की अखंडता। विटामिन ई ब्रेन सेल्स सहित सेल मेम्ब्रेन की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। स्वस्थ सेल मेम्ब्रेन यह सुनिश्चित करती है कि न्यूरॉन्स प्रभावी ढंग से संकेतों को प्रसारित कर सकते हैं, जो स्मृति और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों से सुरक्षा। कुछ रिसर्च से पता चला है कि विटामिन ई का सेवन अल्जाइमर रोग जैसे कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मूड रेगुलेशन। विटामिन ई मूड को स्थिर करने और डिप्रेशन और चिंता के लक्षणों को कम करने में योगदान देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। विटामिन ई माइटोकॉन्ड्रियल स्वास्थ्य को बनाए रखने में शामिल है, जो सेल्स के भीतर ऊर्जा उत्पादक संरचनाएं हैं। हमारा स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया हमारी स्मृति प्रक्रियाओं सहित इष्टतम मस्तिष्क कार्य का समर्थन करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज गोरा रंग। विटामिन ई को अक्सर स्वस्थ और चमकदार त्वचा को बढ़ावा देने में इसके संभावित लाभों के लिए जाना जाता है, जिसमें नंबर वन इज यूवी रेडिएशन प्रोटेक्शन। हालांकि यह सनस्क्रीन का विकल्प नहीं है, लेकिन विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट गुण यूवी किरणों के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान कर सकते हैं, जिससे त्वचा का रंग इररेगुलर हो सकता है। धूप से होने वाली टैनिंग और त्वचा की क्षति रोकने में यह मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल रिजनरेशन। विटामिन ई स्किन सेल रिजनरेशन में सहायता करता है। यह प्रक्रिया दाग धब्बों, स्कार्स और पिगमेंटेशन संबंधित अनियमितताओं को मिटाने में मदद करती है, जिससे त्वचा का रंग चमकदार और एक समान हो जाता है।
नेक्स्ट इज हाइपर पिगमेंटेशन में कमी। मेलानिन उत्पादन को नियंत्रित करने की विटामिन ई की क्षमता अत्यधिक पिगमेंटेशन जैसे काले धब्बे, उम्र के धब्बे और मेलाज्मा को कम करने में मदद कर सकती है। यह अधिक समान स्किन टोन में भी योगदान दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन बैरियर एनहेंसमेंट। विटामिन ई त्वचा की प्राकृतिक बाधा को मजबूत करने, नमी की कमी को कम करने और हाइड्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। एक अच्छी तरह से हाइड्रेटेड स्किन प्रोटेक्शन प्रकाश को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित कर सकती है, जिससे त्वचा अधिक स्वस्थ और चमकदार दिखती है। नेक्स्ट इज कोलेजन उत्पादन। विटामिन ई कोलेजन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक प्रोटीन है जो त्वचा की इलास्टिसिटी और दृढ़ता को बनाए रखता है। बेहतर कोलेजन उत्पादन महीन रेखाओं और झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे त्वचा चिकनी और चमकदार हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सूजन में कमी। विटामिन ई के सूजन रोधी गुण इरिटेटेड त्वचा को शांत करने और लालिमा को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह एक्जिमा, सोरायसिस और मुहासे जैसी स्थितियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो त्वचा की टोन और रंग को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज घाव भरना। विटामिन ई घाव की उपचार प्रक्रिया का समर्थन करता है, जिसमें दाग, निशान या अन्य प्रॉब्लम शामिल हो सकते हैं। शीघ्र उपचार के परिणाम स्वरूप कम स्कार हो सकते हैं और त्वचा का रंग अधिक समान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नमी बनाए रखना। पर्याप्त विटामिन ई का सेवन त्वचा की नमी बनाए रखने, सूखापन रोकने और कोमल और मुलायम रंगत को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। अच्छी नमी युक्त त्वचा चमकदार और स्वस्थ दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज त्वचा को चमकदार बनाना। त्वचा के स्वास्थ्य पर विटामिन ई का समग्र प्रभाव अधिक चमकदार कॉम्प्लेक्शन में योगदान दे सकता है। यह प्राकृतिक चमक को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।